हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो हम करने वाले हैं 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे फोटो एडिटिंग, जो कि गाइस बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ रहा है और आप लोगों को फोटो एडिटिंग की ज़रूरत है। तो आपका भाई आपके लिए लेकर आया बहुत ही ज़्यादा कमाल की एडिटिंग, जो कि आप लोगों को और आपके दोस्तों को भी बहुत पसंद आएगी। सो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड मैं उससे पहले आपको बता देता हूँ, मैंने जो बैकग्राउंड और PNG यूज़ किया है उन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी और आप भी उनको डाउनलोड कर लेना है और फिर आपको देखना है कि कैसे एडिट करना है। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि आपको कैसे एडिट करना है। एंड चैनल पर नए हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, एंड पसंद आए वीडियो तो शेयर भी कर दीजिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर हूँ और मैं यहाँ से अपना पिक्सार एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ। तो इस एप्लीकेशन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले आपको ऑल फोटोज़ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक बैकग्राउंड लेना है। तो मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेता हूँ। दोस्तों, मैंने इस बैकग्राउंड को यहाँ पर सिंपली से ऐड कर लिया है, लेकिन अभी हमें इसमें कुछ और फोटोज़ ऐड करने हैं। तो सिंपली से ऐड फोटो पर क्लिक करना है एंड फिर से हमें एक फ़ोटो को ऐड करना है, जो कि इन सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सिंपली से इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद हम इसको कुछ बड़ा कर लेंगे एंड कैची वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। एंड हम जो दिख रही है आपको ईंटों वाली सड़क, एंड उसके चारों ओर बॉर्डर कर देंगे रेड कलर का एंड ऊपर से डन कर देंगे। जो पार्ट्स हमारा रह जाता है उसको ब्रश पे क्लिक करेंगे और उसको यहाँ पे कर देंगे पूरा रेड रेड, ताकि हमें उस पर जो स्काई कलर है हमारा जो बैकग्राउंड है उस पर इसको लगा देना है। सिंपली से इसको ऊपर से सेव कर देना है एंड इसको नीचे की ओर ले आना है। तो आपको इस तरह से नीचे को ले आना है और इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको यहाँ पर सेट कर देना है। एंड ऊपर आपको राइट निशान मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर देना है एंड आपको फिर से ऐड फोटो पे क्लिक करना है। अब हम लेंगे अपना मॉडल को। तो सबसे पहले हम अपना मॉडल ऐड कर लेते हैं। तो गाइस, मैं यहाँ सबको मॉडल केवल दिखा रहा हूँ एडिट करके, अभी हम बात की एडिटिंग और करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सबसे सस्ता तरीका यही है फोटो एडिट करने का। तो सबसे पहले आपको कैंची पे क्लिक करना है और यहाँ पे टैप करने के बाद अपना साइज को छोटा कर लें और चारों तरफ अपने फ़ोटो के एक रेड कलर का बॉर्डर बना दें। यहाँ से मैं आपका फ़ोटो अपने आप बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा। तो सिंपली से पहले आपको इसको इरेज कर लेना है। तो इरेज कैसे कर रहे हैं मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। तो सिंपली से आप देख सकते हैं आइस के बटन पे क्लिक करके, तो हमारा जो बैकग्राउंड वो रिमूव हो चुका है, हमारा फ़ोटो रह जाता है एंड कुछ पार्ट्स हमारा फ़ोटोज़ का छूट जाता है और कुछ उसमें ऐड हो जाता है। तो उसको रिमूव करने के लिए हम ब्रश वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। हमें इसमें अपने पार्ट्स पे ऐड करना है, तो जो ब्रश का है उस पे ऐड करेंगे और अपने पूरे जो हमारी बॉडी है उस पे फिल कर देंगे, देखेंगे कहीं पर है तो नहीं है। एंड उसके बाद हमें इरेजर लेना है। अब जो फालतू का पार्ट्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो बैकग्राउंड है, उसको हम रिमूव करेंगे। तो सिंपली से आपको इस तरह से रिमूव कर लेना है, अच्छे से करना है। एंड सिंपली से देख सकते हैं आप, हमारा फोटो एकदम मस्त हो चला है। एंड ऊपर से आपको इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद अभी यहाँ से हम फोटो को सेव नहीं करने वाले, यहाँ से आपको क्रॉप कर देना है यानी कट कर देना है। ऊपर को चले जाना है इनमें और ड्रॉ टूल वाले ऑप्शन में चले जाना है। एंड जैसे आप इसमें जाते हो तो आपके सामने लेयर पैनल पे ऊपर क्लिक करना है और ऐड फोटो पे क्लिक कर देना है। नीचे आएगा स्टिकर, उस पर क्लिक करना है एंड फिर जाना है आपको माई स्टिकर एंड कटआउट्स पे फिर से क्लिक कर देना है। एंड उसको आपको जो फोटो अभी वहाँ से हमने रिमूव किया था उसका बैकग्राउंड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सिंपली से इस तरह से आपको फोटो बना लेना है और यहाँ पर सेट कर देना है। जैसे आप इसको सेट कर दे तो फिर से एक एम्प्टी लेयर बना लेना है प्लस वाले आइकन पे एंड फिर से ऐड फोटो पे क्लिक करना है एंड यहाँ से फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हम कुछ PNGs को ऐड करेंगे, तो वीडियो को पूरी देखते रहिए, अभी एडिट हमारी पूरी नहीं हुई है। तो ये 15 अगस्त का PNG मैंने खुद नहीं बनाया है, तो आप अगर जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सिंपली से इसको इतना बड़ा करके लगा लेना है और इसको दबा के नीचे ले आना है अपने फ़ोटो के। एंड कुछ इस तरह से करना है इसको ट्रांसफॉर्म, और इसको अच्छे से आप सेट कर लीजिएगा ताकि जो हमारी सड़क है उसके बिल्कुल कोने पे लगाना है पीछे, ठीक है। एंड सिंपली से उसको डन कर लीजिए एंड फिर से आपको एक एम्प्टी लेयर बना लेना है। तो मैं यहाँ से बना लेता हूँ उसको एंड फिर से आपको ऐड फोटो पे क्लिक कर देना है। एंड फिर से हम आपकी बार PNGs को ऐड करेंगे अपने फ्लैग के, इंडियन तिरंगे को। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा रोटेट करना है अपने हैंड के हिसाब से और इसको हम यहाँ से इरेजर लेंगे। अपने हिसाब से अपने साइज़ को बड़ा रखिए या छोटा रखिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सिंपली से मैं इतना कर लेता हूँ और इसको अपनी फिंगर्स पे हटा लेता हूँ। जो हमारी फिंगर्स पे इसका जो पाइप आ रहा है फ्लैग का, तो इसको हमें रिमूव कर लेंगे। तो आपको कुछ इस तरह से कर लेना है। तो मैं सिंपली से इसको कर लेता हूँ और आपको भी इसी तरह से इसको कर लेना है। एंड गाइस, जो हमारा कुछ हेयर्स के ऊपर दिख रहा है उसको भी हम रिमूव करेंगे ताकि ऐसा लगे कि हमारे पीछे सही है। तो सिंपली से मैं इसको इतना इरेज कर लेता हूँ। तो आपको अच्छे से बारीकी से इसको करना है।
ताकि आपका फ़ोटो एकदम रियल लगे। तो गाइस हमारा फ़ोटो बनकर तैयार हो चुका है, अभी हमें एक और एम्प्टी लेयर बना लेना है। अभी हमारा फ़ोटो एडिट नहीं हुआ है, तो सिंपली सा अभी हम ऐड फोटो पर फिर से क्लिक करेंगे एंड फिर से एक PNG को ऐड करेंगे जो कि 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे लिखा हुआ है। तो गाइस इस PNG को लगाना ज़रूरी है क्योंकि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इस PNG को हमें लगाना है। एंड सिंपली से करने के बाद इसको फिर से एक अभी और PNG ऐड करना है। अभी हमारा फ़ोटो कंप्लीट नहीं हुआ है, एम्प्टी लेयर बनाने के बाद फिर से एक ऐड फोटो एडिट करना है। तो गाइस अब की बार हम कर लेते हैं फ्लैग का। एंड गाइस अभी हमें जो अपने टी शर्ट पे फ्लैग कलर का इफेक्ट देना है जो कि हमारा झंडा बना हुआ है, तो उसको हमें एडिट करना है। तो सिंपली से आपको अपने टी शर्ट या शर्ट पे इस तरह से अप्लाई करना है। एंड जैसे आप इसको अप्लाई कर देते हो तब आपको नीचे एक कोने का निशान मिलेगा, इस पर क्लिक करना है एंड उस पर करना है ओवरले। ओवरले करने के बाद गाइस ये आपकी शर्ट पे ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। एंड यहाँ से आपको इसको इरेजर लेना है रबर, एंड लेने के बाद यहाँ से अपना साइज़ बड़ा कर लें या छोटा कर लें अपने हिसाब से। एंड जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आपको अच्छे से रिमूव कर लेना है अपनी टी शर्ट के हिसाब से, बस अपनी टी शर्ट पर ही रहने देना, बाकी जो ऑब्जेक्टिव है उसको रिमूव कर देना है। आपका फ़ोटो आपके सामने कुछ इस तरह से बन जाएगा एंड सिंपली से उसको सेव कर लेना है। और फिर से इस फोटो को आपको लाइट रूम में ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद गाइस इसमें कुछ थोड़ी सी सेटिंग्स हैं आप जिससे कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, एंड यहाँ से आपको कर लेना है। एंड वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर।